खबर राजधानी रायपुर से है, जहां बलौदा बाजार घटनाक्रम में विधायक देवेंद्र यादव को मिल रहे नोटिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार की घटना को लेकर भाजपा की सरकार अपनी विफलता को छुपा रही है। कांग्रेस नेता विधायकों पर दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, अगर विधायकों को लगातार परेशान किया गया तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने सड़क हादसे और कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि सरकार में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही ट्रेन रद्द के मामले पर बैज ने कहा कि हम साल भर से कर रहे हैं, लेकिन परिचालन बंद नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से बलौदा बाजार घटना को लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफलता की वजह से घटना घटी है, अपनी विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के विधायकों ऊपर दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है। हमारे विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी बलौदा बाजार जा चुके थे, उनकी बयान हो चुकी थी, लेकिन फिर से रात को 9 बजे घर में आकर नोटिस देना, बुलाना, ये सीधा सीधा अपने नाकामियों को छुपाने के लिए है। अगर हमारे विधायकों पर इस तरह हमारे विधायकों को प्रताड़ित करते रहे तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। दुर्भाग्यजनक है कि इस सरकार में सड़क हादसे चाहे जिस भी कारण हो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम लोग पिछले साल भर से कह रहे हैं कि परिचालन बंद हो चुका है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ा ना कि रेल परिचालन बंद हुआ है और मध्यम और गरीब परिवार पूरी तरह से परेशान है, त्योहारों के सीजन में परेशान है।